सर, मैं इंद्रेश कुमार। आज कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कार्ड के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो उसमें भी पहला पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह हमें यह बताना है सत्य है या असत्य है। तो छात्रों, ये कथन सत्य है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होता है। यानी परिमेय संख्याएं हों वो अपरिमेय संख्याएं हों, उनका जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या होता है, ये कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। छात्रों, यह कथन आपका असत्य है क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन आपका कैसा है? असत्य। लास्ट इसका है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें ये देखना है जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या अपरिमेय होती हैं। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों होती हैं, यानी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अतः ये कथन आपका असत्य है। धन्यवाद।